जनपद कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र की एक महिला ने अपने ही गांव के निवासी एक व्यक्ति के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आपको बता दें, जनपद कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र के भिलोली गांव की रहने वाली महिला लक्ष्मी देवी ने गांव के ही युवक पर बाजरा के खेत में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आपको ये भी बता दें कि महिला ने अपने परिजनों को पहले ही बताया था कि उसके पड़ोस का रहने वाला एक युवक उसका रोज पीछा कर रहा है, जिसको लेकर परिजन सतर्क थे व मौके की तलाश में थे। बताते चले कि जैसे ही महिला बाजरा के खेत में चारा लेने गई, इसी दौरान गांव का ही प्रताप घटना को अंजाम देने की फिराक में था और उसने चारा काट रही महिला को पीछे से दबोच लिया। लेकिन महिला पहले ही अपने परिजनों को बता चुकी थी। पीछे से पहुंची महिला के देवर ने युवक को पकड़ने की कोशिश की। महिला का देवर विकलांग था, जिसकी वजह से आरोपी युवक विकलांग देवर के साथ मारपीट कर फरार हो गया। बाजरा के खेत का एक वीडियो वायरल हुआ है। आपको ये भी बताते चलें कि महिला का देवर आरोपी युवक का कॉलर पकड़कर खड़ा हुआ है। तस्वीरों से लगता है कि विकलांग के साथ मारपीट कर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं महिला ने थाना सहावर में तहरीर दी है। संवाददाता विपिन कुमार की रिपोर्ट। थाना सहावर के ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें महिला के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त गणों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।